और आज से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। दो दिनों के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद बहुमत प्रस्ताव लाया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अनुमति दे दी है, जिसके बाद आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे। तो झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के लिए आज बड़ा दिन है और आज सरकार के लिए करो या मरो का दिन है। आज देखना होगा कि INDIE गठबंधन की विधानसभा में ताकत दिखेगी या वहां भी कोई राजनीतिक खेला होगा। बता दें कि आज चंपई सोरेन सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के लिए INDIE गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची वापस लौट आए हैं। उन्हें रांची में ठहराया गया, जिसके बाद सभी विधायक विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। सरकार की तरफ से आसानी से बहुमत साबित किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को फंसाने के लिए बीजेपी की तैयारी भी पुख्ता दिख रही है। झारखंड बीजेपी के सभी विधायक फिलहाल रांची में ही डटे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता भी रांची में ही बैठकर फ्लोर टेस्ट की रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। सर, कल के लिए कितना कॉन्फिडेंट है सर? कल है, कल 5 तारीख गठबंधन है और निश्चित तौर पर गठबंधन भारी मतों से आगे रहे। सर, कितना नंबर्स हैं सर? हमारा 48 है। बहुमत कितना है मालूम है ना? गाड़ी का समर्थन है सैतालीस से ज्यादा। और सर कैसा रहा हैदराबाद? तो झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के लिए आज बड़ा दिन है। फ्लोर टेस्ट के लिए रांची गेस्ट हाउस से महागठबंधन के सभी विधायक विधानसभा के लिए निकल चुके हैं और आज चंपई सोरेन सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। तो दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बहुमत प्रस्ताव लाया जाएगा। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग जी, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, गेस्ट हाउस से निकलकर सभी महागठबंधन के विधायक विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं, क्या पूरी जानकारी? चूंकि विधानसभा के बाहर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है, कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट शुरू होना है, तो तैयारी दोनों तरफ से है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने, तैयारियां दोनों तरफ से हैं, चाहे वो गठबंधन की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। और अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो विधायक है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँचे हैं, भानु प्रताप शाही पहुँचे हैं और रामचंद्र चंद्रवंशी यहाँ पहुँचे हैं, गढ़वा के जो विधायक हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के सरकार में। तो बीजेपी के विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये हम आपको पीछे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, विधानसभा की एंट्री गेट है, यहीं से तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो एंटर कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के विधायकों की, तो अभी वो सर्किट हाउस से, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखाया है, वो निकल चुके हैं और पूरे रास्ते में सुरक्षा की व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और विधायकों के साथ तमाम विधायक बस से यहाँ। डीसी मौजूद होंगे, वहीं हेमंत सोरेन को भी आज फ्लोर टेस्ट के लिए आना है और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हमें लगता है कि जब तमाम विधायक यहां पहुंच जाएंगे तो फिर हेमंत सोरेन को भी ईडी यहां लेके आएगी और हमारे साथ संदीप भी, हमारे सहयोगी, और वहां से जो सत्ता पक्ष विधायक है वो भी निकल चुके हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या तैयारियां होंगी आज? आज कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो विधायक हैं उन
टेस्ट है। और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पे कि यहाँ से जब हैदराबाद जो विधायकों को ले जाया जा रहा था, कांग्रेस के कई विधायक खफा थे और उनको 10-10 करोड़ रुपया दिया गया, तब वे फ्लाइट पे सवार होकर हैदराबाद गए। वही नौबत हैदराबाद से जब वे रांची लौट रहे थे तो बस में बैठने के लिए उनको दक्षिणा दी गई और इन्होंने साफ चिंता जाहिर की है। चंपई है उनकी, इनको चिंता सता रही है कि अब गेस्ट हाउस से यहां पहुंचने के लिए उनको कितना पैसा या दक्षिणा देना होगा। तो कह सकते हैं एक बार फिर से विपक्ष आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर। उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पे भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सभी को जेल भिजवाने का काम करती है और चंपई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको भी एक आगाह किया है उन्होंने कि कांग्रेस से आप बच के रहिए। तो क्या जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि सभी को बस में बैठने के पहले भी दक्षिणा दी गई है, यहाँ से जाने से भी, क्या इसका कोई ठोस साक्ष्य है बीजेपी के पास जो ये आरोप लगा रही है? ऐसा कि जेएमएम भी आरोप लगाते आ रही है बीजेपी जी? फिलहाल यदि कहें तो आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर है चालू है। हालांकि आज चंपई सोरेन को यहाँ पे फ्लोर टेस्ट में सभी विधायक पहुंचेंगे और देखना होगा, क्योंकि जो आंकड़े अब तक दिख रहे हैं उसके अनुसार जो सरकार है चंपई सोरेन की आसानी से इस फ्लोर टेस्ट पास पार कर जाएगी। हालांकि अब विपक्ष को देखना होगा कि इसके बाद उनका क्या रुख होगा, क्योंकि यदि आज फ्लोर टेस्ट में सत्ता पक्ष यानी चंपई सरकार पास हो जाती है तो आखिर आगे अब विपक्ष क्या करेगी? जी बिल्कुल रश्मि, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि सत्ता पक्ष के पास उनका दावा है कि उनके पास 47 विधायक हैं और जरूरत है 41 की, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से पार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई चूक ना रह जाए और कहीं कोई टूट फूट की राजनीति ना देखने को मिले, इसी को लेकर ये प्रिकॉशन बरता गया था और ये प्रिकॉशनरी स्टेप के तहत ही तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था लियोनिया रिजॉर्ट में, और वहीं से शाम कल देर रात ये लोग पहुंचे हैं, वहां से सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से अब सब विधानसभा आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक हेमंत सोरेन के रहने से, क्योंकि हेमंत सोरेन को भी ईडी कोर्ट से परमिशन मिल गया है कि वो फ्लोर टेस्ट के समय यहाँ पे रह पाए, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाते हमें नजर आएंगे। जी रश्मि बिल्कुल अनुराग जी, साथ ही आज ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या जो दावा चंपई सोरेन सरकार की तरफ से किया जा रहा है 47 या फिर उससे ज्यादा विधायकों का, तो क्या 47 के 47 पहुंचते हैं या फिर अंदर भी फ्लोर टेस्ट के दौरान कोई खेला होता है जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा आज। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिलचस्प तो आज बहुत चीज होगा, लेकिन जो बहुमत की अगर हम बात करें, आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो 35 विधायक हैदराबाद में थे, उसके बाद इनका दावा है 43 का हस्ताक्षर किया हुआ जो चिट्ठी था इन्होंने राजभवन को सौंपा था और दावा कर रहे थे कि 47 हमारे पास है। एक सीता सोरेन जो नाराज चल रही थी उनको मना लिया गया है, नलिन सोरेन जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उनकी नाराजगी को भी दूर एक हद तक कर लिया गया है, और बचते हैं एक चमरा लिंडा, तो चमरा लिंडा से भी बातचीत की जा रही है और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट के समय चमरा लिंडा भी रहे, तो बहुमत का आंकड़ा जो है रश्मि वो आसानी से ये लोग पार कर जाते हैं अगर कोई भीतर खाने से कोई घात ना करे तो, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि लगातार जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं और बसंत सोरेन भी लगातार डैमेज कंट्रोल करने का काम बसंत सोरेन को दिया गया है कि आप डैमेज कंट्रोल करिए, कहीं से कोई टूट फूट ना हो और टूट फूट की राजनीति हमें देखने को ना मिले, इसको लेके बसंत सोरेन और अनूप सिंह जो बेरमो विधायक हैं वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम हो, मिथिलेश ठाकुर हो, सभी एक दूसरे से लगातार संपर्क में हैं और क्योंकि सभी एक साथ गेस्ट हाउस में हैं तो इसलिए किसी से बीजेपी विधायकों से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी बाहर नहीं गया है सर्किट हाउस से। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना सफल होते हैं वो। हालांकि अब वो कुछ ही देर में मुझे लगता है विधानसभा भी पहुंच जाएंगे और कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। रश्मि जी बिल्कुल, अनुराग जी एक बार कैमरे के माध्यम से झारखंड विधानसभा की वो तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि अब पहुंचना शुरू हो गया है, चाहे बीजेपी के विधायक हो वो भी अब पहुंच रहे हैं, तो एक बार वो तस्वीरें भी दिखाइए क्या गहमा गहमी है वहां पर। जी बिल्कुल, हम अपने सहयोगी सूर्यकांत को कहेंगे कि आगे आए और जिस तरीके से यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है, बीजेपी के विधायक यहाँ आना शुरू हो गए हैं और बाबूलाल हों, भानु प्रताप शाही हों, सभी लोग अंदर जा चुके हैं
और सभी लोग अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, कई लोग आ गए हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी देर में और जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ भाड़ है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं उनका बयान भी अपने दर्शकों को सुनाएं। छूट नहीं है, भ्रष्टाचार मत कीजिए। चंपई जी से आपका व्यक्तिगत संबंध और पुराना संबंध है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए पांडे जी, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। चंपई जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, हेमंत जी के मंत्रिमंडल में हम दोनों मंत्री थे, हमारे पिताजी के साथ चंपई जी काम किए हैं संगठन में, निश्चित रूप से चंपई जी से व्यक्तिगत संबंध मेरा है। हम तो कहेंगे कि जो पिछला बार जो अभी जो घटना सामने आई है, जिस तरह से कुछ सलाहकार कुछ लोगों ने मिलकर हेमंत जी को जेल भेजवाने का काम किया है, वैसे लोगों से चंपई जी दूर रहे। जी रश्मि, जैसा कि हमने इन्हें सुनाया और हमारे साथ कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल इनसे भी हम बात पॉलिटिकल तो उठा पड़ती है ना, दिमाग का कानूनी लड़ाई हो रही है, संविधान के अंतर्गत ही हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा तो कौन सरकार गिरा रहा था, या तो कानूनी पक्ष था, कानूनी पक्ष बात हो रही है, कोई गिराने थोड़े है। जी तो रश्मि, जैसा कि हमने सुनाया था और हम फिर कोशिश करते हैं, जो भ्रष्टाचार है हुआ है वो निश्चित तौर पर उठेगा, उस पर हम लोग तो चुप थोड़े हैं। आज अगर नहीं उठाए होते तो ये दशा थोड़े, हम लोग की लोगों ने सुझाव दिया था, सुझाव मानना चाहिए, संविधान के अंतर्गत काम करना चाहिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कितना पैसा दे रहे थे लोग लेके विधायकों को? नहीं ये सब तो रश्मि बिल्कुल, ये समरी लाल थे बीजेपी के कांके क्षेत्र से विधायक, इन्होंने कहा कि लगातार क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है और लगातार इन पे आरोप लगते आ रहे हैं, इसीलिए जितने भी जीएमएम विधायक हैं और वो यही आरोप लगाते आ रहे हैं इस सरकार पे कि ये करप्शन की सरकार है। और मैं आपको बता दूं जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ आने का सिलसिला जो है लगातार अब चल रहा है, थोड़ी देर में जितने विधायक हैं बीजेपी के सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जब जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो लोग भी यहाँ सब पहुँच रहे हैं। अब जो खबर आ रही है कि वो लोग विधानसभा क्षेत्र से अंदर एंटर कर गए हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो सत्र की कार्रवाई है वो शुरू होगी। जी रश्मि बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, जहां गहमा गहमी तेज है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो वो भी पहुंच चुके हैं और अब सत्ता पक्ष के विधायक भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। लगातार अपडेट कर रहे हैं हम क्योंकि आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है, फ्लोर टेस्ट होना है चंपई सोरेन सरकार के लिए। अनुराग जी, अगर कोशिश हो वहां पे अगर बीजेपी के और भी विधायक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ा दिन है और देखिए कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, पैसे दिए जाने की बात भी कही जा रही है जैसा हमारे सहयोगी संदीप ने बताया, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है वहां पर। जी रश्मि बिल्कुल, सीता सुरेन यहां पहुंची है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी आपको बात कराएं। बिल्कुल रश्मि, सीता सोरेन यहाँ पहुँच गई हैं और हम कोशिश करते हैं कि सीता सोरेन से भी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलती हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार हमें देखने को मिल रही थी। सीता सोरेन मौजूद हैं रश्मि, और हम
कोशिश कर रहे हैं कि सीता सोरेन क्या बोलती हैं वो हम अपने दर्शकों को सुना पाए, क्योंकि इनकी नाराजगी पहले बताई जा रही थी कि ये नाराज चल रही हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि रश्मि ये क्या क्या बोलती हैं। जी बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए।